जिगजैग दोनों आ गए। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि कितना बड़ा चेंज है इनकी में। तो हमारे स्नेक हेड के लिए भी एक मीलवर्म लाएंगे और इसको भी एक लाइव फीडिंग देंगे। अभी हम उसे खिलाते हैं मीलवर्म। तो अभी फिलहाल मैं उसको एक ही फीड करने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं आपको उसकी जंप दिखाता हूँ, वो कैसे जंप करता है। ओहो, एग्रेशन देखिए। ये चबाते नहीं है, ये जूस करके पीते हैं। तो इसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा अभी। तो जैसे कि आपने देखा कि दोपहर में हमारा जो कॉटन है वो बहुत ही अच्छी से बास कर रहा था यहाँ पे, और मैंने धीरे से शूट किया था अपने पहले वीडियो में दिखाई, तो मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, तो इसीलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अभी ये शाम का टाइम है और आप देख सकते हो कि अंधेरा हो चुका है और मुझे हमारे स्ट्रिंग को भी फीड करना है, तो वो भी आज कर लेंगे। तो ये रहा हमारा कॉटन, ये रहा जैक और ये रहा जिक। तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हुए हैं इस एंक्लोजर में और ये बहुत ही अच्छे से अभी घूम रहे हैं बिना किसी डर के। तो ये देखिए, ये अभी मेरे पास आ रहा है जैक, जो है वो मेरे पास आ रहा है। जी शायद डर के भाग गया, लेकिन जैक अभी धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहा है और मैं जितना इनके सामने रहूंगा उतना ये मेरे से इंटरेक्ट करेंगे और मुझे पहचानने लगेंगे। तो अभी जैसे कि आपको पता होगा कि ये सेटअप जो था वो बाथरूम में था और बाथरूम में इतना ज्यादा आना जाना नहीं होता था, और बेड में अब कभी कभी होते हो तो मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। ये देखिए जिगजैग दोनों आ गए। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि कितना बड़ा चेंज है इनकी में। तो यही अच्छी बात होती है, अगर जितना आप दिखोगे उतना अच्छा है, लेकिन डिस्टरबेंस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो पर्दा है वो लगा रहता है, इसीलिए इनको ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होता है, और जब चाहे मैं थोड़ी देर इनको खोलता हूँ तो ये हमें देख सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पेटशाला। इसका पानी इवापोरेट होने के बाद मैंने अब तक भरा नहीं है, तो इसको भी टॉप अप करना है। और हमारा जो टर्टल टैंक है वो भी गंदा हो चुका है, बहुत ही जल्दी गंदा हो चुका है, तो उसका भी वाटर चेंज करना है। और हमारा जो टेरिटुला स्ट्रिंग है, जिसका नाम हमने स्ट्रिंग रखा है, उसको भी फीड करवाना है, क्योंकि उसका मोल्टिंग हो चुका है और अराउंड 24 आवर्स से ज्यादा, 48 आवर्स से ज्यादा हो चुका है, तो वो इजिली अभी खाना खा पाएगा, तो हम उसे आज खिलाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि हमारे स्ट्रिंग को इसके अंदर रखे, क्योंकि ये बड़ा भी है और अच्छा है, तो मेंटेनेंस के लिए भी अच्छा रहेगा, अगर खराब भी हो जाता है तो फेंक दे सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, सैनिटाइज कर लिया है, तो मैं हमारा जो स्ट्रिंग है वो इसमें जल्दी शिफ्ट करूंगा। तो चलिए अभी मुझे मिलवम पकड़ना है ताकि मैं उसको फीड कर सकूं। तो चलिए मिलवम पकड़ के लाते हैं इसके लिए। तो हमारे स्नेक हेड के लिए भी एक मिलवम लाएंगे और इसको भी एक लाइव फीडिंग देंगे। अब आज इसका जो लाइव फीडिंग का मजा है वो लेंगे, देखेंगे जितना हो सके मैं उसको फोकस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें अच्छे से दिखता नहीं है, तो मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए भी एक या दो छोटे छोटे अगर मिलते हैं तो हम उसके लिए भी मिलवम्स लाएंगे। तो खैर, मैं ये पूरा डब्बा ही उठा के लाया, क्योंकि ऊपर अच्छी लाइट इतनी अच्छी नहीं थी और मैं भूल गया था, तो मैं ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करने वाला था, तो इसीलिए मैं पूरा डब्बा ही उठा लाया। अब इसमें से मैं जितने चाहे निकाल के ले सकता हूँ और ये डब्बा वापस ऊपर रख देंगे। तो गाइज, मैंने तीन पकड़ लिए हैं, एक है स्ट्रिंग के लिए, ये जो मीडियम वाला है वो, ये छोटा वाला जो है वो हमारे स्नेक हेड के लिए, और ये जो है हमारे दिनेश के लिए। तो दिनेश को भी मैंने बहुत दिनों से फीड नहीं किया था, तो आज हम लाइव फीडिंग एक ही फीड करेंगे। अगर आप चाहते हो हम प्रॉपर उसका लाइव फीडिंग करें तो हम उसी तरह से उसका लाइव फीडिंग करेंगे। तो गाइस देखिए, इतना बड़ा डिफरेंस रहेगा। ये है अभी का एंक्लोजर और ये है नया एंक्लोजर जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि इसको शिफ्ट करूँ, तो जल्दी हम इसे शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्टिंग के टाइम मैं आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूँ, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मैंने कैमरा अच्छे से सेट कर लिया है, तो अभी हम उसे खिलाते हैं नीलवा। ये देखिए, डालते ही पकड़ लिया। तो गाइस, इसका जो मोल्टिंग है वो उसने कर लिया था, भाई बाहर निकला छोड़ दिया, तो खैर उसको पकड़ लेगा। ये देखिए, उसका मुंह पूरा फोड़ दिया, तो अभी ये धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, बड़ा हो रहा है। देखिए आप साइज भी आप देख सकते हो, और मोल्टिंग के बाद ये देखिए यहाँ पे है उसका मोल्ट,
और आप देख सकते हो कि कैसे वेलवेट जैसे दिख रहा है वो, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और जो उसकी ब्यूटी है वो धीरे धीरे बाहर आ रही है, तो मैं वापस उसको पिलाने की कोशिश करता हूँ। बार माता और तो खैर अभी मैंने उसको डाल दिया, उसने उसके ऊपर अटैक किया, इसका मतलब उसको भूख लगी है तो वो खा लेगा, वो बाहर आ रहा था इसीलिए मैंने उसको अंदर कुछ किया तो उसने छोड़ दिया। तो खैर अभी उसको खाने देते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो कि उसको उसने स्विंग किया है तो वो पैरालाइज हो गया है, तो अब वो इजिली उसके ऊपर फील कर सकता है। तो गैस अब बारी है हमारे दिनेश की, हमने हमारे स्ट्रिंग को तो फील कर दिया है, अब हम इसको फील करेंगे। अगर आपको पता नहीं होगा तो ये बहुत ही खतरनाक तरीके से फील करता है, जंप करता है। अगर आपने पहले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा होगा तो अब देख लीजिए, और ये मेरा लास्ट चांस है क्योंकि मैंने एक ही निकाला है। अगर आपको इसके फीडिंग वीडियोस देखने हैं आगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसके लाइव फीडिंग वीडियोस देखने हैं। तो अभी फिलहाल मैं उसको एक ही फीड करने वाला हूँ, तो चलिए अब मैं आपको उसकी जंप दिखाता हूँ, वो कैसे जंप करता है। ये मीलवर्म निकाल लेता हूँ, और अभी ओ गिर गया, गलती हो गई गाइस, मेरे हाथ से गिर गया। तो एक और निकालते हैं और देखते हैं, ये निकाल लिया मैंने दूसरा वाला, ये देखिए ये वाला। तो अब मुझे कोई भी गलती नहीं करनी, क्योंकि देखिए मुझे कैमरा भी पकड़ना है, उसको बैलेंस भी करना है, क्योंकि वो मीलवर्म घूमता रहता है, तो वो गलती से नीचे गिर गया। तो कोई बात नहीं, हम दूसरा उसे फीड करेंगे। तो मैं ये कैमरा यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, पहले हाथ नहीं पकड़ा है। ये देखिए, देखिए कैसे जंप कर रहा है। वाह वाह, ये बहुत बढ़िया था और बड़ी जंप थी, थोड़ा मैंने नीचे लिया था लेकिन बहुत ही बढ़िया उसने पकड़ लिया है। तो चलिए अब हम हमारे स्नेकर्ड को फीड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा साइड में हटाऊंगा, और ये जो है वो इस लाइट के नीचे लूंगा ताकि हमें थोड़ा तो अच्छा विजन मिले। तो चलिए मैं इसको हटा के ये सब करके आपको दिखाता हूं। तो गाइस मैंने कैमरा तो कैसे कैसे सेट कर लिया है, अब मैं उसको फीड करके दिखता हूँ, लेट्स सी कितना अच्छा आता है, और इसको भी देखेंगे, ट्राई करेंगे कि ये जंप करता है या नहीं, लेट्स सी। वो जंप कर रहा है गाइस, वो ये देखिए क्या बढ़िया जंप कर रहा है यार। अभी तक तो ये छोटा सा पिद्दी सा है, अभी तो इसको बढ़ना है। तो चलिए अभी मैं इसको डाल देता हूं, वो पकड़ लिया, ये देखिए खा लिया पूरा, आ गया वापस खाने का। तो गाइस ये जब बड़ा होगा ना तो ये बहुत खतरनाक बनने वाला है, तो मुझे तो बहुत मजा आया, ये इसका फर्स्ट लाइव फीडिंग था, मतलब ऐसे। वैसे तो मैं इसको अगर कुछ मिलता है लाइव मीलवॉर्म्स भी मिलते हैं तो मैं डाल देता हूँ, लेकिन अभी आपके सामने ये फर्स्ट लाइव फीडिंग था, तो आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस इसके बारे में आने वाले हैं। देखिए कैसे ढूंढ रहा है अभी खाना। तो चलिए एक और इसे फीड करके देखते हैं, थोड़ा ऊपर से व्यू लेंगे,
ओहो, एग्रेशन देखिए, वाव। ये भी कुछ सेकंड्स में ही खत्म हो गया। मैं इसे डब देता हूँ, नहीं तो ये भाई साहब हमारे साहब जो है वो बाहर जंप कर देंगे, तो सब सिक्योर है। तो ये देखिए गाइस, किसने उसे पकड़ लिया है, ये देखिए अभी वो पूरा उसमें से पूरा जूस चूस लेगा उसके अंदर से। ये चबाते नहीं है, ये जूस करके पीते हैं। तो इसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा अभी। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो आज के लिए इतना है, तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।